हाँ जी, अब मेरे ख्याल से मेरी आवाज क्लियर होगी। आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, कभी कभी जब जीवन में समस्या आ जाती है, याद रखिएगा समस्याओं से जो दोस्तों ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पे आपके लिए कि आप उन समस्याओं का हल खोजें। तो दोस्तों आज इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, आज का ये सफर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए ये यूट्यूब शेड्यूल, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो यूट्यूब शेड्यूल आपके लिए बनाया गया है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी आपके साथी हैं उन सबको एक बार जाके बताना है कि यहां पर आपके लिए YouTube शेड्यूल चलाया जाता है, वो भी दोस्तों पूरा फ्री में, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। और साथ ही साथ ये है दोस्तों आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए जरूरी बात ये है दोस्तों कि यहां पर अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी हो तो एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं मानी जाती, लेकिन जब आपको सारे सब्जेक्ट वो भी दोस्तों प्रॉपर आपके टाइम टेबल के साथ मिल रहे हो तो ऐसे मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे हम लोग आपसे, तो यहाँ पर SBI क्लर्क और MTS के अलावा दोस्तों GD के भी आपके पेड बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिसमें आपके दोस्तों बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स आपके इनरोल हो चुके हैं। तो अगर आपको भी बनना हो इसका हिस्सा तो यहाँ पे आपके लिए दोस्तों केवल 2099 में आपका दोस्तों यहाँ पे ये क्लासेस है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा प्यारा सा डिस्काउंट। तो मेरे सारे साथियों को दोस्तों पता भी होगा कि ये जो डिस्काउंट है दोस्तों ये आपका दो आधारों पर दिया जाता है। नंबर वन, अगर आपके पास दोस्तों धन की हो कमी, मतलब अगर आपके पास पैसे की दोस्तों आपके रोड़ा अटका रहा है, या फिर इसके अलावा यहां पे अगर आप दोस्तों कोविड से दोस्तों जो आपकी यहां पे महामारी थी इसके आप हो चुके थे शिकार, तो इन दोनों ही दोस्तों हालत में आपका यहां पे सफलता क्लासेस के द्वारा जितनी दोस्तों पूर्ण रूप से आपकी मदद की जा सकती है वो की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं आज के इस सफर को। जी हाँ, ओके, आकाश, जेएस, निशा, अविनाश, आप सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों, और बाकी सबको मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अगर मेरी आवाज नहीं आ रही थी तो अब आवाज भी आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा हमारी आवाज ही हमारी पहचान होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइन है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि वही हकदार है किनारों के, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वही हकदार है किनारों के जो बदल दे बहाव धारों के। तो दोस्तों याद रखिएगा हमेशा जो लड़ने वाला व्यक्ति होता है, हमेशा जो फाइट करता है अपने जीवन में एक एक सेकंड को चुनता है कि वो उसमें बेहतर बनेगा, तो वही दोस्तों यहाँ पे आपके बहाव का धारों को बदल सकता है। तो याद रखिएगा हमेशा अपने जीवन में एक मजबूत इंसान बनके उभरिएगा, और इसी उम्मीद के साथ दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं आज की वो प्रैक्टिस, आज की वो दोस्तों सफर, वो रेस जो कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को लेकर के। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे हाँ जी, राम राम जी आशुतोष, अंकित, तो यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सबको यहाँ पे सबसे तेज सबसे फास्ट देना है जवाब। पहला प्रश्न है दोस्तों कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे, मतलब जो हम लोग दोस्तों म्यूजियम घूमने जाते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आपका एक दिवस है, तो आपसे ये पूछा गया है दोस्तों कि यहाँ पे ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे आपका किस दिन मनाया जाता है। और दोस्तों इसकी थीम को रखिएगा हमेशा याद, जो कि है यहाँ पे आपके दोस्तों फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड इमेजिन। तो दोस्तों ये जो आपका यहां पे मनाया जाता है इसको यहां पे ICOM संस्थान के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो दोस्तों यहां पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 18 मई। वहीं दोस्तों भूलिएगा नहीं 12 अगस्त को मनाया जाता है लाइब्रेरी दिवस, वहीं दोस्तों जू लवर दिवस मनाया जाता है आपका 8 अप्रैल को, और दोस्तों 16 मई को हम लोग मनाते हैं दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। कौन सा दिवस है दोस्तों? इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। तो अगर दोस्तों बात करें सबसे पहले सबसे तेज, यहां पे दोस्तों आपका सबसे पहले राइट आंसर आया था। जी हाँ, यहां पे दोस्तों सबसे पहले राइट आंसर आया अमित राशि और मीना सुथर, आप सबने दिया बिल्कुल राइट आंसर अनुज के साथ। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया है अविनाश, निशा और आशीष के अलावा दोस्तों मोनिका वर्मा के द्वारा, शाबाश। इसी तरह से दोस्तों दीजिएगा अगले प्रश्न का जवाब। अगला सवाल आपके सामने है, सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि यहां पर कौन है फाउंडर दोस्तों लिसियांथस टैक के, टैक जो है दोस्तों ये आपकी साइबर सुरक्षा की दोस्तों कंपनी है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो फाउंडर है इसके, इनको अभी हाल ही में अवार्ड दिया गया है दोस्तों ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों इन्होंने आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में दोस्तों लगातार नई इनोवेशन की थी, जिसके लिए इनको दिया गया है आपका ग्लोबल ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड। तो सवाल आपसे ये पूछा गया है कि जरा भैया उसका नाम बता दो कि यहाँ पे वो व्यक्ति कौन है। चार ऑप्शंस आपके सामने, तो दोस्तों अमित बनर्जी, रमेश, अनिल के अलावा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे आपके लिए हो जाएगा खुशहाल कौशिक। क्या नाम होगा दोस्तों? खुशहाल कौशिक को दोस्तों यहां पे आपका ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड दिया गया था दोस्तों आपका ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी के लिए। तो अगर दोस्तों यहां पे बात करें आपसे राइट ऑप्शन देने वालों में, तो सबसे पहले दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सबसे पहले दोस्तों मुझे मिला था आपका अमित यादव, अंकित के अलावा अविनाश पाठवा, शाबाश।
वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया है प्रियंका जलाल, संगीता कशिश, निशा पाल और प्रिंस कुमार, आप सबने किया है बहुत ही अच्छा प्रयास। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल फिर से आपके सामने, एक नया प्रश्न, एक नया मौका। सवाल यह पूछा गया है दोस्तों कि यहां पर अभी हाल ही में साइमॉर्ग सुपर कंप्यूटर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, साइमॉर्ग सुपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड है दोस्तों यहां पर आपके लिए 1 पेटाफ्लॉप्स। ये जो दोस्तों पेटाफ्लॉप्स है याद रखिएगा, ये स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर के लिए। किसके लिए दोस्तों? सुपर कंप्यूटर के लिए, जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यानी बड़ी बड़ी गणनाओं को देखने के लिए। तो आपसे यह पूछा गया है कि आमिर कबीर यूनिवर्सिटी के द्वारा यह किस देश में बनाया गया है? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने 4, इंडिया, ईरान, जापान होगा या होगा चाइना। तो दोस्तों याद रखिएगा यहां पे आपके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ईरान। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा अभी भी पूरे विश्व में आपका दोस्तों नंबर 1 पे है फुगाकू। जी हां दोस्तों, फुगाकू जो कि दोस्तों आपका जापान से संबंधित है। वहीं दोस्तों दूसरे और तीसरे स्थान पर दोस्तों यहां पर आपके लिए समिट और सियरा नामक सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं। समिट और सियरा नामक सुपर कंप्यूटर बने हुए हैं दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स के। तो दोस्तों अगर बात करें भारत की तरफ से, तो दोस्तों भारत की तरफ से है यहां पे आपका परम सिद्धि। क्या नाम है दोस्तों? परम सिद्धि। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों इसकी स्पीड के बारे में, तो केवल 5 दोस्तों पेटाफ्लॉप्स है भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की स्पीड। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले किसने है बताया, तो दोस्तों आपका यहां पे ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले यहां पे आपका आया था। जी हां, अंकित, शगुन, अमित और जीएस देशवाल, आप सबने दिया है बिल्कुल राइट आंसर। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया है विशाल शाहू, मीना सुथर, आशुतोष ठाकुर और इसके अलावा दोस्तों नीलम कमारी, आप सबने किया है बहुत ही अच्छा प्रयास। और फिर से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। सवाल आपसे ये पूछा गया था कि अभी हाल ही में कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके द्वारा दोस्तों ये जो ब्लैक फंगस आजकल आप बीमारी सुन रहे हैं, जिसमें दोस्तों अगर बात की जाए तो इसको यहां पर म्यूकर माइकोसिस दोस्तों यहां पे जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा फैलाया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस बीमारी को आरोग्य श्री योजना के अंतर्गत हेल्थ इंश्योरेंस आपका कौन सा राज्य दे रहा है? तो दोस्तों आरोग्य श्री योजना के अंतर्गत ब्लैक फंगस को किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है शामिल? 4 ऑप्शन आपके सामने थे, उत्तर प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना होगा या होगा गुजरात। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा यहां पे दोस्तों आपके गवर्नर हो जाएंगे बी हरिचंदन। क्या नाम होगा दोस्तों? बी हरिचंदन हो जाएंगे यहां पे आपके राज्यपाल। और दोस्तों इससे संबंधित एक न्यूज भी याद रखिएगा कि N440K, क्या नाम है N440K, ये क्या है दोस्तों? तो ये था आपका दोस्तों पहला आपका म्यूटेंट। जी हां दोस्तों, कोविड का पहला म्यूटेंट है दोस्तों आपका, जो कि यहां पे सबसे पहले प्राप्त हुआ था आंध्र प्रदेश में। और वहीं दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो यहां पे दोस्तों आपके मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर साहब हो जाएंगे YSR जगनमोहन रेड्डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपने किसने बताया था, तो यहां पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले आया था अमित यादव, शगुन और मीना सुथर का लगातार रैंकिंग दोस्तों घटती बढ़ती रह रही है, वेरी गुड। वहीं दोस्तों अगर बात करें सबसे अच्छे प्रयास के बारे में, तो सबसे अच्छा प्रयास किया था शिखा तिवारी, दीपिका चौहान, अयाना चौहान के अलावा दोस्तों निशा पाल और अक्षय राणा ने, शाबाश। अब बढ़ते हैं दोस्तों फिर से अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों। अगला सवाल यह पूछा गया था कि यहां पर कौन सा ऐसा देश है जहां पर अभी हाल ही में दोस्तों जो कॉमन क्रेन होती है, यह दोस्तों सबसे बड़ी आपकी दोस्तों चिड़िया में भी गिनी जाती है, यह 300 वर्ष के बाद दोस्तों, कितने वर्ष के बाद? 300 वर्ष के बाद आपकी दोस्तों वापस लौटी है दोस्तों इस देश में। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दोस्तों यहां पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोस्तों आयरलैंड, जहां की दोस्तों आपके लिए राजधानी हो जाएगी डबलिन। क्या नाम होगा दोस्तों? डबलिन हो जाएगी यहां की राजधानी। और दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो माइकल मार्टिन, क्या नाम होगा दोस्तों? माइकल मार्टिन हो जाएंगे दोस्तों यहां पर आपके प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और याद रखिएगा दोस्तों ये आयरलैंड आपका ब्रिटेन का भी एक हिस्सा माना जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर 2 फिर से दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सबसे पहले राइट आंसर दिया था अमित यादव, मीना सुतर और शगुन, शाबाश। इसी तरह से रैंकिंग को लगातार बदलना है अपने प्रयास के द्वारा। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया गया आपका अनुज कुमार, इसके अलावा दोस्तों अविनाश पाटवा, शिखा तिवारी के साथ साथ
कृतिका चंदेल, आप सबने किया है बहुत ही अच्छा प्रयास। और फिर से बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए कि यहाँ पे कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जिसने अपने देश के कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जो विदेशी देशों का सिलेबस था दोस्तों, वो अपने बच्चों को पढ़ाने से, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने से बैन कर दिया है। दोस्तों ऑप्शन से आपके सामने चार, फ्रांस, चाइना, जापान या फिर जर्मनी। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन के बारे में, तो सही जवाब होगा आपके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर टू, यानी कि चाइना। चाइना दोस्तों ये वही देश है जहां पर अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग हुई थी दोस्तों, जिसको हम लोग लांग हुई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? लांग हुई के नाम से जानते हैं। और इसको दोस्तों यहां पे टू सेशंस भी कहा जाता है। दोस्तों ये जो लांग हुई और टू सेशंस है, ये आपके चीन से संबंधित है। और वहीं याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां के प्रीमियर कौन है, तो दोस्तों प्रीमियर अब आपके जी जियांग नहीं है, बल्कि है ली कियांग। क्या नाम है दोस्तों? ली कियांग। केवल केवल दोस्तों प्रोनाउंसिएशन अंतर नहीं है, केवल स्पेलिंग में अंतर है। तो अगर दोस्तों बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू, तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपका राइट आंसर आया था, जी हां, अमित यादव, मीना सुथर और अंकित सिंह का शाबाश। वहीं दोस्तों इसके अलावा सबसे अच्छा प्रयास किया गया यहां पे आपका दोस्तों ईशु आर्य, यशस्वी कीमता, सचिन सिरवान और जानेश जोशी। आप सबका है बिल्कुल ही राइट आंसर दोस्तों। इसी तरह से लगातार और सबसे तेज अपने दिल की जो आग है ना, वो आग दोस्तों यहां पे आपकी बुझाने की कोशिश किया करो। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने है। सवाल ये पूछा गया है कि गूगल के द्वारा दोस्तों यहां पे एक आपका प्रोडक्ट, ग्लोबल प्रोडक्ट जारी किया गया है और नाम है इसका दोस्तों न्यूज शोकेश। तो दोस्तों ये जो न्यूज शोकेश है, इसके माध्यम से यहां पे दोस्तों आपके जो पत्रकार होते हैं, जो एडिटर होते हैं, अगर उनको कोई अपनी न्यूज दोस्तों आपकी लोगों को भेजनी है, लोगों को दिखानी है, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है न्यूज शोकेश। और इसी को दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए, इसी को थोड़ा प्रोफेशनल करने के लिए भारत की तरफ से दोस्तों यहां पे आपके 50,000 छात्रों को दी जाएगी डिजिटल स्किल। मतलब कैसे ऑनलाइन दोस्तों पत्रकारिता की जाती है, तो इसकी स्किल दोस्तों यहां पे सिखाई जाएगी आपकी दोस्तों भारत के युवाओं को। तो दोस्तों यहां पे राइट आंसर हो जाएगा इंडिया के द्वारा दोस्तों यहां पे अभी हाल ही में 50,000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा दोस्तों डिजिटल स्किल ट्रेनिंग। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे राइट ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर थ्री के बारे में, तो दोस्तों यहां पे आपका सबसे पहले राइट आंसर आया था, जी हां, सबसे पहले राइट आंसर है आपका अमित यादव, अंकित सिंह और मीना सुथर का। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे इसके अलावा सबसे अच्छा प्रयास किया गया है यहां पे आपका दोस्तों प्रियंका जलाल, निशा पाल और इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपका, जी हां, ज्योति सिंह और साथ ही साथ यहां पे आपका दोस्तों प्रिंस कुमार और अक्षय रैना। आप सबने किया है बहुत ही अच्छा प्रयास। अब फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, गोली की तरह जवाब देना है। प्रश्न ये पूछा गया था कि यहां पर जो दोस्तों आपके होम आइसोलेटेड पेशेंट्स होते हैं, मतलब यहां पर जैसे ही कोरोना होता है दोस्तों, तो उन्हें 15 दिन या 14 दिन के लिए दोस्तों उनका उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है, तो इसको कहा जाता है होम आइसोलेशन, मतलब अपने घर में दोस्तों अलग रहना। तो दोस्तों यहां पर घर में अलग रहने के लिए भी एक एप्लीकेशन जारी की गई है जिसका नाम है हिट कोविड ऐप। क्या नाम है दोस्तों? हिट कोविड ऐप। तो आपसे यह पूछा गया है कि यह हिट कोविड ऐप जिसके माध्यम से ऐसे रोगियों की जाएगी निगरानी, तो इसको किस राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शंस चार नहीं थे, पांच। और यहां पे दोस्तों आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा बिहार। दोस्तों याद रखिएगा, यह वही बिहार है जिसके द्वारा एक एप्लीकेशन और जारी की गई थी और एप्लीकेशन का नाम था दोस्तों गरुर ऐप। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो गरुर ऐप है ये खास क्यों थी? क्योंकि इसके माध्यम से दोस्तों जितने भी प्रवासी मजदूर थे जो अलग अलग राज्यों से वापस आ रहे थे बिहार में, उनको ना केवल दोस्तों घर जाने का रास्ता दिया गया बल्कि पैसा भी दिया गया और दोस्तों जो मेडिकल सहायता थी वो भी इसी गरुर ऐप के माध्यम से दी गई थी। तो दोस्तों यहां पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फाइव, चार मत लगा देना। तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर फाइव, सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपका आया था अमित यादव, शगुन और यहां पे इसके अलावा दोस्तों मीना सुथर और अंकित सिंह के द्वारा। वहीं दोस्तों आपका सबसे अच्छा प्रयास किया गया है राशि राठौर, साथ ही साथ दोस्तों यहां पे गायत्री गायू और इसके अलावा दोस्तों यहां पे मोनिका वर्मा। आप सबने किया है बिल्कुल ही दोस्तों सही प्रयास। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, सवाल यह पूछा गया था कि यहां पे कौन सी ऐसी राज्य सरकार है जिसके द्वारा जो अगर दोस्तों कोविड ड्यूटी के दौरान, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो आपके दोस्तों स्वास्थ्य वहां पे हॉस्पिटल में, तो अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारजनों को दोस्तों नौकरी दी जाएगी। तो आपसे यह पूछा गया है कि जरा उस राज्य सरकार का नाम बता दो।
ऑप्शन है दोस्तों यहां पे आपके सामने चार, और दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों यहां पे याद रखिएगा मध्य प्रदेश के द्वारा। यहां पे दोस्तों अभी हाल ही में आपके लिए एक दोस्तों आपके लिए सफारी शुरू की गई थी जिसका नाम था नाइट सफारी। क्या नाम था दोस्तों? नाइट सफारी। और इसके बारे में दोस्तों याद रखिएगा कि ये तीन नेशनल पार्क में दोस्तों आपकी जारी की गई थी, जिसमें आपका एक नाम होगा कान्हा नेशनल पार्क, दूसरा होगा दोस्तों आपके लिए पेंच नेशनल पार्क, और दोस्तों तीसरा यहां पे आपके लिए हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और वहीं दोस्तों याद रखिएगा मेरा मास्क मेरी पहचान, ये दोस्तों कोविड योजना भी आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। तो दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर थ्री सबसे पहले किसने है बताया, तो दोस्तों यहां पे आपका ऑप्शन नंबर थ्री सबसे पहले मुझे बताया था अमित यादव ने, गायत्री गायू और मीना सुथर ने। शाबाश, इसी तरह से करते रहो रैंकिंग के साथ दोस्तों छेड़छाड़। और वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास आपकी बात किया गया था निशा पाल, आकिब रकीब, और इसके अलावा दोस्तों नीलम कुमारे के साथ साथ यहां पे आपका दोस्तों दीपिका चौहान, आप सबने किया है बिल्कुल ही अच्छा प्रयास। पढ़ते हैं अगले दोस्तों यहां पे प्रश्न की तरफ। अगला और दोस्तों यहां पे दोस्तों आपका अगला सवाल था मोमा मार्केट से जुड़ा हुआ। दोस्तों ये जो मोमा है ये एक वेबसाइट थी आपके लिए जिसको यहां पे आपका शुरू किया गया था दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा, ऑनलाइन सब्जी मंगाने के लिए। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन सब्जी मंगाने के लिए यहां पे मोमा मार्केट दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहां पे दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि मणिपुर। जी हां दोस्तों, मणिपुर सरकार के द्वारा दोस्तों यहां पे आपका शुरू किया गया था आपका मोमा मार्केट, जहां पे दोस्तों आपके मुख्यमंत्री हो जाएंगे एन बीरेन सिंह। क्या नाम हो दोस्तों? एन बीरेन सिंह होंगे यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। और इसके अलावा दोस्तों यहां की जो गवर्नर है वो है एक महिला, और इनका नाम होगा दोस्तों नजमा हेप्तुल्ला। क्या नाम हो दोस्तों? नजमा हेप्तुल्ला है यहां पे आपकी दोस्तों गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, सबसे पहले राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर थ्री किसने है बताया, जरा खुद ही सुनिएगा। तो दोस्तों यहां पे आपका सबसे पहले राइट आंसर आया था, जी हां, अमित यादव, मीना शुतर और सगुन के साथ साथ दोस्तों आशीष अग्रवाल ने भी यहां पे अच्छा प्रयास किया था। वहीं दोस्तों सबसे अच्छा प्रयास किया था यहां पे आपका सचिन सिरवान, कशिश शुक्ला और वहीं दोस्तों समर पाल, आप सबने किया है दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे यहां पे आपके आज के प्रश्न। अब दोस्तों कीजिएगा इस आखिरी सवाल का जवाब। प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि यहां पे कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको दोस्तों अवार्ड दिया गया है आपका इंटरनेशनल अजय गोल्ड मेडल। तो दोस्तों ये जो अजय गोल्ड मेडल है दोस्तों ये आपका दिया जाता है मानवतावाद के लिए। किसके लिए दोस्तों? मानवतावादी कार्यों के लिए आपका ये मेडल दिया जाता है। तो सवाल आपसे ये पूछा गया था कि जरा उन यहां पे दोस्तों मंत्री का नाम बता दो जो कि दोस्तों भारत के हैं दोस्तों यूनियन कैबिनेट शिक्षा मंत्री। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा रमेश सिंह पोखरियाल। और याद रखिएगा इनके द्वारा दोस्तों एक आपका मेला लगता है और मेले का नाम है खिलौना मेला। जी हां दोस्तों, इसको टॉय फेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत भी आपकी रमेश सिंह पोखरियाल के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर आपसे ऑप्शन नंबर टू, तो सबसे पहले दोस्तों आपका राइट आंसर आया था मोनिका वर्मा, मीना सुतर और शगुन शर्मा। अब की बार दोस्तों लड़कियां बाजी मार गईं। वहीं दोस्तों आपका सबसे अच्छा प्रयास किया था आकाश शर्मा, वर्षा चौधरी, यतेंद्र सिंह और वहीं दोस्तों इसके अलावा दीपिका चौहान और जानेश जोशी, आप सबने किया है दोस्तों बिल्कुल ही राइट आंसर का प्रयास। तो दोस्तों ये थे यहां पे आज के आपके सवाल और दोस्तों आपके जवाब। तो दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए आपसे, तो एक और छोटी सी लाइन आपके लिए लेके आया हूं, जरा फिर से ध्यान से सुनिएगा। जब तक दोस्तों यहां पे अगर आपके दोस्तों जो आपका कॉन्फिडेंस है अगर वो हाई नहीं होता है, तो याद रखिएगा कोई भी एग्जाम, लाइफ की कोई भी समस्या हो, वो कभी भी दूर नहीं हो सकती। तो हमेशा याद रखना, खूब खुश रहना और हमेशा कॉन्फिडेंट रहना। तो ज्यादा ध्यान सुनिएगा दोस्तों, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर कभी भी कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी को दोस्तों यहां पे दूर करने से आपको कोई नहीं रोकेगा। केवल कोई रोकता है दोस्तों तो वो खुद आप होते हैं, आपका अपना मन होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, दिया अगर जलाना है दोस्तों तो अपने मन को बुझाना ही होगा। तो दोस्तों चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं टॉप करंट अफेयर ऑफ द डे। यहां पे हम लोग दोस्तों वो न्यूज डिस्कस करते हैं जो कि आपके लिए होती है सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों पहली न्यूज है यहां पे आपके लिए कि अब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों
यहाँ पे जो बच्चे दोस्तों कोविड के दौरान हो चुके हैं अनाथ, अब उनके लिए दोस्तों यहाँ पे आपकी मदद की जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो अगली खबर है राजस्थान सरकार से जुड़ी हुई। अशोक गहलोत ने दोस्तों यहाँ पे आपका जो ब्लैक फंगस बीमारी है जो कि म्यूकर माइसिटीज नामक आपके दोस्तों यहाँ पे होती है, तो इसको एक एपिडेमिक यानी महामारी घोषित कर दिया है दोस्तों कोरोना के बाद में। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो ये जो बीमारी है अभी हाल ही में दोस्तों इसके बारे में पता चला है कि ये स्टेरॉइड्स के ज्यादा लेने के कारण दोस्तों आपकी ये बीमारी ब्लैक फंगस भी हो रही है कोविड के साथ में। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें तो राहुल द्रविड़ अब बन गए हैं टीम इंडिया के कोच और वो जाएंगे दोस्तों आपके श्रीलंका में जुलाई में। और दोस्तों ये जो आपका आयोजन किया जा रहा है इसे दोस्तों 13 से लेकर के 27 जुलाई के मध्य आपका दोस्तों आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपके दोस्तों राहुल द्रविड़ के अलावा जो हेड कोच होंगे दोस्तों वो होंगे आपके रवि शास्त्री। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें आपसे अगली न्यूज के बारे में, तो अगली खबर है दोस्तों आपकी ICMR से जुड़ी हुई, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा दोस्तों यहां पे घर बैठे अब आप अपने कोविड यानी कोरोना की कर सकते हैं जांच, तो इसके लिए दोस्तों यहां पे आपका जारी किया गया है रैपिड एंटीजन टेस्ट। कौन सा है दोस्तों? रैपिड एंटीजन टेस्ट, जिसको दोस्तों शॉर्ट में कहा जाता है रैट। और ये जो दोस्तों आपका टेस्ट होगा, याद रखिए, ये आपको मिलेगा केवल 250 रुपए में। केवल 250 रुपए में दोस्तों यहां पे आप अपनी जांच कर सकते हैं 15 मिनट के अंतर्गत। तो दोस्तों ये अंतराल और दोस्तों ये रुपए हमेशा रखिएगा याद, पता नहीं कब काम आ जाए। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे अगली खबर के बारे में, तो चाइना और रशिया के द्वारा दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों आपका बनाने की योजना बनाई जा रही है। और वही दोस्तों इसके अंतर्गत यहां पे इसी दोस्तों आपके यहां पे जो बातचीत के दौरान यहां पे आपके दोस्तों दो न्यूक्लियर प्लांट है, एक का नाम है जुडापू और दोस्तों दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है यहां पे आपके लिए दोस्तों यहां पे तियानवेन। तो जुडापू और तियानवेन दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपग्रेड यानी टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया जाएगा चाइना और रशिया के द्वारा। वहीं दोस्तों अगली खबर है यहां पे आपके लिए A76। तो दोस्तों ये जो A76 है ये दुनिया का सबसे बड़ा दोस्तों आपका आइसबर्ग है जो कि आपका दोस्तों पाया जाता है अंटार्कटिका में। कहां पे दोस्तों? अंटार्कटिका में पाया जाता है दोस्तों यहां पे आपका A76। इसकी फोटो दोस्तों मेरे पीछे आपको दिख जाएगी। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे तो अब भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के द्वारा कुल 6 दोस्तों नई हेरिटेज साइट को दोस्तों घोषित किया गया है। इससे पहले अगर दोस्तों बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों यहां पे ओरछा और ओरछा के अलावा ग्वालियर को भी हाल ही में किया गया था यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। वहीं दोस्तों इसके अलावा अब आपके लिए दोस्तों यहां पे आपका बेहड़ घाट, क्या नाम दोस्तों? भेड़ा घाट। तो भेड़ा घाट दोस्तों यहां पे आपका अब बन गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि है मध्य प्रदेश में। वहीं दोस्तों ये है आपका यहां पे मिलिट्री आर्किटेक्चर, तो ये जो दोस्तों मिलिट्री आर्किटेक्चर है ये आपका उपस्थित है महाराष्ट्र में और इसको भी दोस्तों यहां पे आपका दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि यूनेस्को का दर्जा। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें तो सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश को भी दोस्तों यहां पे आपका शामिल किया गया है। यहां पे आपका दोस्तों हीरे बंगाल, दोस्तों यहां पे जो हीरे बंगाल है आपका ये आपका उपस्थित है कर्नाटक में। और ये है दोस्तों यहां पे आपके लिए मेगालिथिक साइट, मतलब पत्थरों की ऐसी साइट जिसको आपका यूनेस्को का दर्जा दिया गया है। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहाँ पे आपके लिए कांचीपुरम मंदिर, ये जो दोस्तों कांचीपुरम मंदिर है इसको भी दोस्तों यहाँ पे आपका दर्जा दिया गया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो बनारस का घाट, दोस्तों बनारस का घाट दोस्तों ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसको भी दोस्तों आपकी बार यहाँ पे जगह दी गई है यहाँ पे आपके लिए दोस्तों यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दोस्तों ये है यहाँ पे आपके दोस्तों कुछ साइट्स जिनको आपका शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात की जाए तो उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अब जो आपकी सब्सिडी दी जाती थी खाद में दोस्तों उसको 140% बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों ये जो 140% बढ़ाया गया है इसके अंतर्गत यहां पे दोस्तों जो अभी तक आपको 500 रुपए की बोरी मिलती थी खाद की, अब वो मिलेगी पूरे 1200 रुपए की। तो आज ही जाकर के बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये थी यहां पे आज की खबरें और इसके अलावा दोस्तों यहां पे आपके लिए एक छोटा सा प्यारा सा कोर्स भी है जो कि सफलता क्लासेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस कोर्स का नाम है यहां पे आपके लिए SSC स्पेशल। स्पेशल इसलिए कहा गया था दोस्तों क्योंकि कई बच्चे हैं दोस्तों जो यहां पे अलग अलग बैच को ज्वाइन करते हैं, तो दोस्तों एक तरीके से उनका समय भी बर्बाद होता है और दोस्तों उनका धन भी बर्बाद होता है। तो इसी के मद्देनजर दोस्तों ये आपका बैच शुरू किया गया है केवल 2099 रुपए में, लेकिन अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा एक अलग से डिस्काउंट भी। तो ये जो दोस्तों डिस्काउंट होगा ये आपको दिया जाएगा दो आधारों पे। एक तो है दोस्तों कि अगर आपको यहाँ पे पैसे की समस्या हो या फिर दोस्तों आपका यहाँ पे जो आपका जो परिवार है वो विचलित हो कोविड के दौरान। तो दोस्तों अगर बात करें इस कोर्स के बारे में तो इस कोर्स को आखिरकार मेंटर कौन करेगा, पढ़ाएगा कौन,
तो दोस्तों यहां पे आपको मैथ्स की कमाल संभालते हैं आपके भगवती सर। वहीं दोस्तों इंग्लिश को बड़ी ही आसान भाषा में पढ़ाएंगे आपके संतोष सर। और दोस्तों ज्योग्राफी के बारे में चाहे मैप हो चाहे वॉल्केनो हो दोस्तों बड़े ही अच्छे ढंग से दोस्तों आपको पढ़ाते हैं डीके सर। और वहीं दोस्तों रीजनिंग की कमाल संभालती हैं आपकी मोना मैम। और दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री बड़े ही प्यार से दोस्तों आपको पढ़ाते हैं आपके सलिल सर। और वहीं दोस्तों कंप्यूटर कंप्यूटर के दोस्तों विशेषज्ञ कहे जाते हैं आपके धीरेन सर। और वो आपको दोस्तों हर एक कंप्यूटर का दोस्तों सब्जेक्ट बड़े ही आराम से पढ़ाएंगे। वहीं दोस्तों यहां पे अगर बात की जाए इस कोर्स के बारे में जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि यहां पे दोस्तों आपको ना केवल मिलती है लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मतलब आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जो कि दोस्तों आप अपने मोबाइल और या फिर उसके अलावा दोस्तों डेस्कटॉप से भी देख सकते हैं। अगर आपके पास पाम टॉप हो तो उससे भी देख सकते हैं। डिफरेंस पता करना हो तो धीरेन सर से पूछ लीजिएगा। वहीं दोस्तों यहां पर आपके लिए वीकली मॉक टेस्ट भी होता है। वीकली मॉक टेस्ट के आधार पर दोस्तों यहां पर आपको अपनी जो पूरी तैयारी है पूरे हफ्ते की या दो हफ्ते की वो पता चलती है। और साथ ही साथ दोस्तों यहां पे आपको पता चलता है कि आपकी रैंक क्या रही ऑल इंडिया में। याद रखिएगा दोस्तों ये एक ऑल इंडिया टेस्ट होता है आपका जहां जिसमें पूरे भारत के दोस्तों स्टूडेंट्स आपका हिस्सा लेते हैं। वही दोस्तों यहां पे आपको मिलती है पीडीएफ स्टडी मटेरियल जिसमें आपको दोस्तों यहां पे टॉपिक वाइज दोस्तों यहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे होता है एक स्पेशल क्यूए सेशन। ये क्यों है खास क्योंकि दोस्तों यहां पे अगर आपने अगर कभी सफलता के एक चैनल है आपका सफलता टॉक्स जिसपे अभी हाल ही में दोस्तों आपकी एक न्यूज आपकी भेजी गई थी कि कैसे एक दोस्तों आपका जो एसडीएम होता है वो यहां पे डीएसपी के पद को चुनता है। तो दोस्तों ये जो आपका एक एसडीएम बन सकता था वो आज एक डीएसपी बना है तो आखिरकार क्या रीजन रहा दोस्तों कि यहां पे उसने सारी सफलताओं को प्राप्त करने के बाद भी अपने मन का पूरा किया। तो जरा ध्यान से दोस्तों यहां पे इस वीडियो को देखिएगा और जानिएगा कि आखिरकार क्या अंतर है और दोस्तों एक टॉपर में और आप में। तो दोस्तों अगर आपको उसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिया जाएगा एक व्हाट्सएप नंबर उस पर कीजिएगा कॉल। तो चलिए दोस्तों अब फिर से शुरू करते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग आपका करंट अफेयर एमसीक्यू। तो जितने भी लोगों तैयार हो अपने दोस्तों आंसर्स के साथ वो आंसर देंगे, जितने लोग तैयार हो रिविजन के साथ तो वो रिविजन करेंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न आपके सामने है। सवाल ये पूछा गया था दोस्तों कि उस कंपनी का नाम बता दो जिसके द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी, ध्यान सुनिए दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी पानी के नीचे केबल सिस्टम दोस्तों आपकी शुरू की जाएगी भारत की तरफ से। तो दोस्तों भारत की तरफ से दुनिया की सबसे बड़ी दोस्तों लार्जेस्ट सबमरीन केबल सिस्टम जिससे दोस्तों आपके भारत में आपका 5G सिस्टम है दोस्तों अब इसको अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। तो यह प्रयास दोस्तों यहां पे किस कंपनी के द्वारा किया गया है। चार ऑप्शंस आपके सामने थे, रिलायंस जियो, फेसबुक, बीएसएनएल या फिर होगा वोडाफोन। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रिलायंस जियो। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए आपसे इस योजना के बारे में, इस स्कीम के बारे में, तो याद रखिएगा दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत यहां पे आपके लिए दोस्तों जो आपके लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट सबमरीन है इस सबमरीन को दोस्तों यहां पे आपका दो तरीके से बनाया जाएगा। नंबर 1 एक है दोस्तों आपके लिए IAX और दूसरा है दोस्तों IEX। तो दोस्तों आखिरकार क्या है अंतर जरा ध्यान से सुनिए। जो दोस्तों IAX आपका दोस्तों केबल सिस्टम है इसको शुरू किया जाएगा दोस्तों आपका मुंबई से लेकर के थाईलैंड और मलेशिया तक। तो दोस्तों थाईलैंड और मलेशिया के बीच में ये आपकी बनाई जाएगी केबल सिस्टम 5G नेटवर्क को मजबूत करने के लिए। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात की जाए आपसे IEX के बारे में तो ये भी दोस्तों भारत से ही शुरू होगी लेकिन ये दोस्तों आपकी पहुंचाई जाएगी इटली और साउथ अफ्रीका की तरफ। तो दोस्तों इटली और साउथ अफ्रीका को जोड़ेगा IEX सिस्टम, वहीं दोस्तों IAX जोड़ेगा मुंबई से आपका साउथ ईस्ट एशिया के थाईलैंड और मलेशिया को। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे तो याद रखिएगा ये जो आपका सिस्टम है इसमें रिलायंस के साथ साथ दोस्तों एक कंपनी और है उसका नाम है सबकॉम और ये दोनों दोस्तों आपका प्रयास लगभग 2023 तक पूरा करने का दोस्तों किया जाएगा आपके लिए प्रयास। वहीं दोस्तों अगर बात करें आपसे यहां पर दोस्तों कई सारी न्यूज थी जो कि आपके दोस्तों जियो और जियो के अलावा दोस्तों कई सारी कंपनी से जुड़ी हुई खबरें थी। अब कीजिए मेरे साथ उसका एक रिवीजन। तो दोस्तों याद रखिएगा दुनिया में सबसे बड़ा दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड बन गया आपका दोस्तों 5वें स्थान पे जियो यानी कि रिलायंस जियो। वहीं दोस्तों एयरटेल और एयरटेल के साथ अमेजन की दोस्तों जो वेब सर्विसेज होती हैं इनको दोस्तों आपका क्लाउड समाधान करने के लिए एक साथ किया है समझौता एयरटेल और अमेजन ने। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो फेसबुक की एक अपनी क्रिप्टो करेंसी थी, नाम था लिब्रा, तो इसको दोस्तों आपका यहां पे कानूनन आधार पे इसका नया नाम रखा गया है डीम। और वहीं दोस्तों याद रखिएगा कि अभी हाल ही में फेसबुक के द्वारा दोस्तों यहां पर भी आपका दोस्तों अंडर वाटर केबल आपकी दोस्तों जारी की गई थी और यहां पर आपको नाम भी बताया था मैंने, यहां पर दोस्तों इनके नाम हो जाएंगे इको और
बाई फ्रॉस्ट। तो याद रखिए दोस्तों, एक तरफ रिलायंस जियो के द्वारा दोस्तों IAX और IEX को जारी किया गया है, वहीं फेसबुक के द्वारा दोस्तों इको और बाई फ्रॉस्ट को जारी किया गया है साउथ ईस्ट एशिया को अमेरिका से जोड़ने के लिए। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें अब आपसे अगले प्रश्न के बारे में, तो जितने लोगों को दोस्तों यहां पे आपका इस सवाल का जवाब पता हो वो इसका आंसर देंगे, बाकी करेंगे मेरे साथ रिवीजन। तो दोस्तों यहां पे आपसे सवाल ये पूछा गया था कि किस संस्थान के द्वारा, यहां पे दोस्तों आपके लिए SBRIS Geo-5 मिसाइल को दोस्तों आपका जारी किया गया था, जो कि एक वार्निंग सैटेलाइट है, और इसको दोस्तों आपका जारी किया गया था एटलस 5 रॉकेट के द्वारा। कौन सा रॉकेट है दोस्तों? एटलस 5 रॉकेट के द्वारा, और दोस्तों ये आपका बनाया गया है अमेरिका की स्पेस फोर्स के लिए। तो दोस्तों याद रखिएगा, अमेरिका की जो स्पेस फोर्स होगी, कभी भी अगर उस पर कोई मिसाइल अटैक होगा, क्या होगा दोस्तों, कोई भी अगर मिसाइल अटैक होगा तो उसको दोस्तों यहां पे आपका इंफ्रारेड के माध्यम से, किसके माध्यम से दोस्तों, इंफ्रारेड के माध्यम से दोस्तों पहचानने के लिए यहां पे दोस्तों SBRIS मिसाइल को, यहां पे दोस्तों सैटेलाइट को जारी किया गया है। और वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें तो ये SBRIS दोस्तों ये आपके दोस्तों यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा दोस्तों इसको बनाया गया है, जिसमें आपका दोस्तों यहां पे दो कंपनियां शामिल है, क्योंकि एक अलायंस है तो इसमें दोस्तों एक कंपनी आपके लिए हो जाएगी बोइंग कंपनी और दूसरी हो जाएगी लॉकहीड कंपनी। क्या नाम होगा दोस्तों? बोइंग और लॉकहीड, इन दोनों कंपनियों के द्वारा दोस्तों यहां पे इस SBRIS आपके Geo-5 मिसाइल को बनाया गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, तो कई सारी दोस्तों और भी आपकी सैटेलाइट मिशंस हैं जो कि जारी किए गए दोस्तों अलग अलग देशों के द्वारा। तो कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन दोस्तों। तो यहां पे आपके लिए है जूस। तो दोस्तों ये जो जूस है, ये आपका दोस्तों इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर, मतलब दोस्तों जो आपके बृहस्पति के दोस्तों आपके चंद्रमा है दोस्तों, जो उसके मून है, उनके आपके दोस्तों आपके विचरण के लिए, उसकी दोस्तों स्टडी के लिए यहां पे जूस मिशन को दोस्तों जारी किया गया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। वहीं दोस्तों अगर बात करें नासा शील्ड मिशन, ये दोस्तों एक इंटरप्लेनेटरी मिशन है। इंटरप्लेनेटरी का मतलब होता है बाकी के अलग अलग दोस्तों जो आपके प्लैनेट्स अभी रह गए हैं अंतरिक्ष में, उसके अध्ययन के लिए शील्ड मिशन को जारी किया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें मॉक्सी के बारे में, तो याद रखिएगा यहां पे CO2 से O2 दोस्तों बनाई गई है आपकी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, और इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मार्स ऑक्सीजन इन सीटो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। वहीं दोस्तों अगर बात करें नोमोरा अल मसूरी, दोस्तों ये जो आपकी नोरा अल मसूरी है, ये बनी है दोस्तों आपकी ईरान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट। कौन है दोस्तों? ईरान की पहली महिला एस्ट्रोनॉट दोस्तों, जो कि आपकी अरब दोस्तों दुनिया की आपकी पहली एस्ट्रोनॉट के रूप में भी जानी जाएंगी। तो दोस्तों बगल में बनाया आपका एटलस 5 रॉकेट, जो कि अब भेजा गया था आपके SBRIS आपके मिसाइल सैटेलाइट के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा गया था कि जरा बता दीजिए कि यहां पे भारत में दोस्तों कौन कहां पर आपका पहला एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया। तो दोस्तों ये जो आपका कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है, इसको दोस्तों यहां पे आपका शुरू किया गया है आपका महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पे दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में दोस्तों आपका शुरू किया गया है नाबार्ड की सहायता से दोस्तों, जिसकी स्थापना की गई थी 1982 में। कब की गई दोस्तों? 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों अगर बात करें इस पहले एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सेंटर के बारे में, तो दोस्तों यहां पर आपके कृषि विशेषज्ञ बैठेंगे, जो कि आपके दोस्तों यहां पे उन लोगों को यहां पे दोस्तों आपका सहायता देंगे जो कि जानना चाहते हैं कि कौन सी फसल आपके लिए एक्सपोर्ट के लिए ज्यादा सही है और कैसे सही तरीके से आपका दोस्तों यहां पे आयात और निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों ये आपका फैसिलिटेशन सेंटर जिसको शुरू किया गया नाबार्ड के द्वारा दोस्तों महाराष्ट्र में। वहीं दोस्तों अगर बात करें महाराष्ट्र के बारे में, जरा मेरे साथ कीजिएगा एक क्विक रिवीजन। तो दोस्तों यहां पे 1 मई को दोस्तों आपका स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों महाराष्ट्र का। और इसके अलावा दोस्तों एक राज्य और है जिसका स्थापना दिवस महाराष्ट्र के साथ मनाया जाता है, नाम होगा गुजरात। क्या नाम होगा दोस्तों? गुजरात। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए महाराष्ट्र के बारे में, तो उद्धव ठाकरे हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर, और दोस्तों भगत सिंह कोशियारी। क्या नाम है दोस्तों? भगत सिंह कोशियारी हो जाएंगे दोस्तों यहां पे आपके राज्यपाल। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो और भी दोस्तों कई सारी यहां पे आपकी दोस्तों न्यूज़ थी जो कि कृषि से जुड़ी हुई थी।
तो दोस्तों आइए करते हैं अब यहां पे आपका कृषि से जुड़ी हुई न्यूज का एक एनालिसिस। तो दोस्तों यहां पे आपकी पहली खबर थी कि आपका RIDF दोस्तों, ये आपका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है, जिसको दोस्तों आपका दिया गया था असम के लिए, और यहां पे दोस्तों देने वाली संस्थान का नाम है नाबार्ड। याद रखिए दोस्तों, नाबार्ड के द्वारा असम को जारी किया गया दोस्तों आपके लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड कुल 1236 करोड़ रुपए का। वहीं दोस्तों 16 मई को हम लोग मनाते हैं यहां पर आपका दोस्तों एग्रीकल्चर टूरिज्म डे। कौन सा डे है दोस्तों? एग्रीकल्चर टूरिज्म डे, मतलब खेतों और दोस्तों यहां पे आपका किसानों के साथ घूमने के लिए दोस्तों आपका ये टूरिज्म डे शुरू किया गया था 16 मई को। वहीं दोस्तों यहां पर ग्लाइफोस्फेट पे आपका प्रतिबंध लगाया था तेलंगाना ने। किसने दोस्तों? तेलंगाना ने प्रतिबंध लगाया था ग्लाइफोस्फेट पर, जिसका उपयोग कॉटन पे किया जाता है। वहीं दोस्तों पंजाब के किसानों ने, अब दोस्तों यहां पे आढ़तियों के द्वारा उनको मिलेगा दोस्तों सीधा पेमेंट। और इसके अलावा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक कृषि हैकाथन की गई थी दोस्तों। हैकाथन में यहां पे दोस्तों आपके शामिल हुए थे आपके लिए गूगल, और गूगल के अलावा दोस्तों यहां पे आपके लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर और दोस्तों माई गवर्नमेंट, यानी कि आपकी केंद्र सरकार। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए अगले प्रश्न के बारे में, जरा सब लोग दोस्तों यहां पे आपका देंगे सही जवाब। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जरा उस पहले भारतीय कैनेडियन के बारे में बता दूं जिसने अभी हाल ही में दोस्तों मिक्स्ड मार्शल आर्ट का दोस्तों आपका वर्ल्ड टाइटल जीता है सिंगापुर में। कहां पे दोस्तों? सिंगापुर में जीता है आपका मिक्स्ड मार्शल आर्ट का वर्ल्ड टाइटल। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पर आपसे ऑप्शंस के बारे में, तो सही जवाब होगा यहां पे आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अर्जुन सिंह भुल्लर। दोस्तों इनका जन्म कनाडा में हुआ है दोस्तों, और ये आपके दोस्तों यहां पर ऑरिजिनल रूप से अब आपके दोस्तों भारतीय कहे जाते हैं, तो इनके द्वारा दोस्तों आपका जीता गया है मिक्स्ड मार्शल आर्ट का खिताब। वहीं दोस्तों अगर बात करें कोबी ब्रायंट भी दोस्तों आपके न्यूज में थे, और इनको दोस्तों यहां पे आपका बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। किसमें शामिल किया गया दोस्तों? बास्केटबॉल के हॉल ऑफ फेम में आपका शामिल किया गया था। और वहीं अगर दोस्तों बात करें कोनोर मैकग्रेगर के बारे में, तो दोस्तों ये है यहां पर आपके दोस्तों दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दोस्तों खिलाड़ी हैं वर्तमान समय में आपके कोनोर मैकग्रेगर, जो कि यूएफसी की तरफ से खेलते हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें अब आपसे स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई खबरों के बारे में, आइए कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों राफेल नडाल के द्वारा यहां पे इटालियन ओपन को दोस्तों आपका जीता गया है, जिसको हम लोग रोम मास्टर के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों यहां पे इन्होंने हराया था आपका नोवाक डिजोकोविक को। किसको दोस्तों? नोवाक डिजोकोविक को दोस्तों हरा करके राफेल नडाल ने जीता था यह आपका 10वां रोम टाइटल। वहीं दोस्तों आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स भी जारी किए गए थे सेविल में दोस्तों। सेविल आपका दोस्तों स्पेन में है, और इसके अंतर्गत दोस्तों यहां पे ना केवल आपके दोस्तों आपका राफेल नडाल, बल्कि राफेल नडाल के अलावा दोस्तों नाओमी ओसाका को यहां पे दिया गया था टेनिस जगत से दोस्तों ये आपका लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। वहीं दोस्तों F1 रेस से आपका ये अवार्ड दिया गया था लुईस हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लुईस हैमिल्टन के द्वारा। और दोस्तों अगर बात करें तो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कहां पे आयोजित हुई थी दोस्तों? तो इसका जवाब होगा इंग्लैंड में, और इसको दोस्तों जीतने वाले हो जाएंगे यहां पे आपके लिए मार्क सेल्वी। क्या नाम है दोस्तों? मार्क सेल्वी के द्वारा दोस्तों यहां पे ये आपका चौथी बार विश्व आपका स्नूकर चैंपियनशिप जीती गई थी। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के बारे में, दोस्तों इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान में। कहां पे दोस्तों? कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था, और इसमें दोस्तों विनेश फोगट के द्वारा जीता गया था स्वर्ण पदक। बढ़ते हैं दोस्तों यहां पे आपके अगले प्रश्न की तरफ, जरा मेरे साथ दोस्तों दीजिएगा राइट आंसर। हाँ जी मुस्कान, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में, अगला सवाल था कि याओगान 31 दोस्तों, ये जो याओगान 31 है आपका दोस्तों, ये एक सैटेलाइट है जिसको दोस्तों आपका लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा जारी किया गया। दोस्तों रॉकेट का नाम और सैटेलाइट का नाम हमेशा रखिएगा याद। तो दोस्तों यहां पर आपसे पूछा गया था कि ये याओगान 31 रिकॉन्नाइसेंस सैटेलाइट, इसको दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा कि चाइना के द्वारा यहां पे इसको भेजा गया था। और जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, चाइना के द्वारा यह कहा गया है कि यह एक पर्यावरण से संबंधित सैटेलाइट है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यह पर्यावरण से ज्यादा यहां पे और देशों की करेगा जासूसी। क्या करेगा दोस्तों? और देशों की करेगा जासूसी आपका याओगान 31 सैटेलाइट। तो दोस्तों अगर इसके अलावा बात की जाए यहां पे आपसे, तो याद रखिएगा दोस्तों इंडिया की तरफ से यहां पे इसरो के द्वारा भी दोस्तों कई सारे अभी हाल ही में आपके सैटेलाइट जारी किए गए थे, जिसमें अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे आपके लिए CMS और CMS के अलावा दोस्तों यहां पे आपका स्वयं। तो दोस्तों ये जो स्वयं और CMS सैटेलाइट है, याद रखिएगा ये आपके कम्युनिकेशन यानी बातचीत करने के लिए सैटेलाइट भेजे गए थे इसरो के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर बात करें मिशन ऑर्बिटल मार्स, तो दोस्तों मार्स ऑन आपका दोस्तों मिशन, तो इसको मार्स ऑर्बिटल मिशन को आपका दोस्तों जारी किया गया था साल 2013 में इसरो के द्वारा। और वहीं दोस्तों साल 2019 में
भारत के इसरो के द्वारा दोस्तों भेजा गया था चंद्रयान। कौन सा यान दोस्तों? चंद्रयान द्वितीय मिशन को भेजा गया था इसरो के द्वारा। और वहीं दोस्तों अगर इसके अलावा बात की जाए तो यहां पे दोस्तों स्पेस जगत से कई सारी यहां पे खबरें थी दोस्तों, आइए कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों अगर बात करें तो यहां पे नाटो के द्वारा दोस्तों यहां पे आपके दोस्तों रामस्टीन जगह है जर्मनी में, तो वहां पे एक नया अंतरिक्ष केंद्र आपका खोला जाएगा नाटो के द्वारा, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो बैकानूर स्पेस में दोस्तों पहला आर्टिका एम सैटेलाइट लॉन्च किया गया था रशिया के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? रशिया यानी रूस के द्वारा दोस्तों आपका यहां पर पहला आर्टिका एम सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो यहां पर दोस्तों आपके लिए नूर, ये दोस्तों नूर आपका ईरान का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है। पहला क्या है दोस्तों आपके लिए? मिलिट्री सैटेलाइट है आपका दोस्तों ईरान का। तो दोस्तों ये था यहां पे आपका एक क्विक रिवीजन आपके स्पेस जगत से जुड़ा हुआ। अब बढ़ते हैं दोस्तों यहां पे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पे आपके लिए कि ममता बनर्जी दोस्तों, ममता बनर्जी के द्वारा एक नया फैसला लिया गया। फैसला ये है दोस्तों कि यहां पे अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए थे चुनाव, अब जितने भी लोग नहीं जीत पाए अब उनको कैसे यहां पे सत्ता दी जाए, कैसे शक्ति दी जाए, तो इसके लिए दोस्तों उन्होंने ठान लिया है कि अब फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थापना की जाएगी, विधान परिषद की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों आपको यहां पे जान के हैरानी होगी कि ये आपका ऑलरेडी आपका दोस्तों समाप्त किया जा चुका था 1969 में, तो फिर से दोस्तों यहां पे किस राज्य में इसको बनाया जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों यहां पे आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पश्चिम बंगाल। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए पश्चिम बंगाल के बारे में तो जरा मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन। अभी वर्तमान समय में दोस्तों यहां पे आपके जी जगदीप धनकर दोस्तों है राज्यपाल। क्या है दोस्तों? राज्यपाल है दोस्तों यहां पे आपके जगदीप धनकर। और यहां पे दोस्तों आपका एक नृत्य है जो कि पश्चिम बंगाल का विशेष नृत्य भी कहा जाता है, इसका नाम है दोस्तों आपके लिए छऊ डांस। क्या नाम है दोस्तों? छऊ नृत्य। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो छऊ नृत्य है ये एक ट्राइबल मार्शल डांस है दोस्तों, मतलब जो आपकी दो मार्शल आर्ट होती ना उसके आधार पे ये नृत्य किया जाता है। और वहीं अगर दोस्तों बात करें पश्चिम बंगाल के बारे में तो 26 जनवरी को, कब दोस्तों? 26 जनवरी को मनाया जाता है यहां पे आपका दोस्तों पश्चिम बंगाल का राज्य दिवस। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे तो यहां पे दोस्तों आपके और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर आज भी आपके दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद दोस्तों आपकी स्थापित की गई है। तो दोस्तों ये है आपके नाम। अब इसको कैसे याद किया जाए दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए दोस्तों यहां पे आपके लिए ट्रिक हो जाएगी मैट बुक। क्या नाम होगा दोस्तों? मैट बुक। तो दोस्तों इस मैट बुक से यहां पे आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे दोस्तों उन 6 के 6 राज्यों के जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी वर्तमान समय में है। और इसके अलावा दोस्तों आपका 7वां नाम होगा पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ये जो 6 नाम है जरा मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन। एम से होगा महाराष्ट्र, ए से होगा आपके लिए आंध्र प्रदेश, टी से हो जाएगा तेलंगाना, वहीं दोस्तों यहां पे बी से हो जाएगा आपके लिए बिहार, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश और के से हो जाएगा कर्नाटक। तो मैट बुक ये दोस्तों वो 6 राज्य हैं जहां पर अभी भी आपके लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद स्थापित है। वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो अगला प्रश्न आपके लिए मोक्तर उकाने से जुड़ा हुआ दोस्तों, नाम है मोक्तर उकाने। तो दोस्तों ये जो मोक्तर उकाने हैं ये फिर से किस देश के दोस्तों यहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो दोस्तों यहां पे इनकी फोटो बनी हुई बड़े प्यारी से दोस्तों इन्होंने ड्रेस पहन रखी है। और यहां पे दोस्तों यहां पे राइट आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि माली। और अगर दोस्तों माली की बात की जाए तो यहां की दोस्तों आपके लिए राजधानी हो जाएगी बोमाको। क्या नाम हो दोस्तों? बोमाको हो जाएगी दोस्तों यहां की राजधानी। और अगर बात करें दोस्तों यहां के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में दोस्तों, तो यहां पे आपके दोस्तों प्रेसिडेंट हो जाएंगे बहना दाओ। क्या नाम हो दोस्तों? बहना दाओ। और दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे मुद्रा यानी करेंसी के बारे में, तो करेंसी दोस्तों यहां पे चूंकि पहले फ्रांस का दोस्तों यहां पे कब्जा रह चुका था तो आज भी यहां पे आपके दोस्तों जो करेंसी चलती है उसका नाम है फ्रैंक। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो याद रखिएगा माली को दोस्तों यहां पे 2 चीजों के लिए सबसे ज्यादा उसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। पहला है दोस्तों आपके लिए सोना और दूसरा है दोस्तों नमक। तो नमक और सोने के उत्पादन के लिए पूरे विश्व में दोस्तों जाना जाता है माली। और वही दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे तो यहां पे अभी हाल ही में दोस्तों कई सारे देश के प्राइम मिनिस्टर आपके हुए थे नियुक्त। तो हम लोग दोस्तों यहां पे रिवीजन करेंगे प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट्स का, जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। तो यहां पे आपके दोस्तों स्लोवाकिया के अभी हाल ही में आपके दोस्तों प्रधानमंत्री बने थे एडवर्ड हैगर। क्या नाम दोस्तों? एडवर्ड हैगर को दोस्तों यहां पर आपका बनाया गया था प्रधानमंत्री स्लोवाकिया का। वही दोस्तों इसके अलावा बात करें वियतनाम के बारे में तो फा मी चिन। क्या नाम दोस्तों? फा मी चिन दोस्तों इनको यहां पे आपका बनाया गया था प्रधानमंत्री
वियतनाम का। और अगर दोस्तों बात करें नाइजर के बारे में, तो नाइजर के दोस्तों यहाँ पे आपके प्रधानमंत्री बनाए गए थे ओ हाओ मोदाओ। क्या नाम है दोस्तों? ओ हाओ मोदाओ। तो दोस्तों ओ हाओ मोदाओ को बनाया गया था नाइजर का प्रधानमंत्री। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पे आपके साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे किम बू क्यूम। क्या नाम है दोस्तों? किम बू क्यूम को यहाँ पे आपका दोस्तों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था साउथ कोरिया का। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें आपसे नीदरलैंड के बारे में, तो लगातार चौथी बार दोस्तों यहाँ पे आपके प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोस्तों मार्क रुटे। दोस्तों ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको मैं लगाता हूं स्टार और इसको अपने कॉपी में दोस्तों नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे आपके लिए राज्य सरकार से जुड़ा सवाल ये पूछा गया है दोस्तों कि यहां पे जो किसान और आपके दोस्तों जो आपके कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो आपके दोस्तों मजदूर होते हैं जो घर बनाते हैं, तो किसानों और मजदूरों के लिए दोस्तों यहां पे 1250 करोड़ का एक कोविड रिलीफ पैकेज जारी किया गया है, जिसके माध्यम से दोस्तों यहां पे उनके खाने और दोस्तों रहने के खर्च को दोस्तों वहन करेगा कौन सी राज्य सरकार। तो दोस्तों यहां पे आपके लिए राइट ऑप्शन क्या था? सही जवाब यहां पे आपके दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कर्नाटक सरकार के द्वारा। दोस्तों यहां पे किसानों के लिए आपका जारी किया गया है 1250 का कोविड रिलीफ पैकेज। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, तो कर्नाटका के दोस्तों यहां पे आप अगर बात की जाए तो यहां पे राजधानी हो जाएगी कर्नाटका की बेंगलुरु। मेरे साथ रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, बेंगलुरु हो जाएगी कर्नाटक की राजधानी। और इसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो यहां पे वाजू भाई वाला, क्या नाम है दोस्तों? वाजू भाई वाला हो जाएंगे यहां पे आपके दोस्तों राज्यपाल। क्या हो जाएंगे दोस्तों? राज्यपाल हो जाएंगे वाजू भाई वाला। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे दोस्तों आपका एक डांस होता है, एक नृत्य होता है, इस नृत्य का दोस्तों आपके लिए नाम हो जाएगा यक्षगण। क्या नाम हो दोस्तों? यक्षगण है दोस्तों यहां पर आपका कर्नाटका का नृत्य। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो याद रखिएगा बी एस येदुरप्पा। क्या नाम दोस्तों? बी एस येदुरप्पा है दोस्तों यहां पर आपके चीफ मिनिस्टर। क्या हो जाएंगे दोस्तों? चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे यहां पे आपके बी एस येदुरप्पा। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें आपसे कर्नाटक से संबंधित खबरों के बारे में, एक बार जरा नजर डालिएगा मेरे साथ में। तो दोस्तों यहां पे कर्नाटक में पहली बार दोस्तों आपका फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है, जिसमें यहां पे आपके फूलों से जो आपके ऑयल होते हैं या फिर इसका दोस्तों अगरबत्ती का सामान होता है वो बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों यहां पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को दोस्तों 2021 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक के द्वारा। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे, तो यहां पे दोस्तों कर्नाटक के द्वारा डिजिटल इकोनॉमी मिशन को दोस्तों यहां पे आपका डिजिटल इकोनॉमी मिशन कार्यालय को सबसे पहले भारत में आपका दोस्तों लागू किया गया है कर्नाटक राज्य के द्वारा। और इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहां पे दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसको हम लोग दोस्तों एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, इसको भी दोस्तों सबसे पहली बार दोस्तों यहां पर लागू किया गया था कर्नाटक राज्य के द्वारा। वहीं इसके अलावा दोस्तों बात करें तो अभी हाल ही में एक नया रेलवे म्यूजियम बना है दोस्तों, और रेलवे म्यूजियम बनाया गया दोस्तों आपका हुबाली में। कहां पे दोस्तों? हुबाली में एक नया रेलवे म्यूजियम दोस्तों बनाया गया है मैसूर के अलावा। कहां के अलावा दोस्तों? पहले मैसूर में था, अब एक नया आपके लिए बना है हुबाली में। वहीं दोस्तों इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न के बारे में, तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहां पे आपका दोस्तों मॉडर्न आर्ट म्यूजियम से जुड़ा हुआ। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, मॉडर्न आर्ट म्यूजियम। तो दोस्तों यहां पे ऑडियो विजुअल गाइड एप्लीकेशन, दोस्तों एक एप्लीकेशन जारी की गई है जिसमें मॉडर्न आर्ट म्यूजियम जो है उसके बारे में सारी जानकारी है, और आपको दोस्तों एक वो टूर भी करवा देगा बिना किसी सहायता के। तो आपसे ये पूछा गया है कि इसको यहां पे किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों यहां पे आपके सामने 4, चेन्नई, नई दिल्ली, कोलकाता या होगा अहमदाबाद। तो दोस्तों यहां पे आपके राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। वहीं दोस्तों अगर बात करें नई दिल्ली के बारे में, तो याद रखिएगा यूनेस्को की दोस्तों यहां पे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और उसका नाम है दोस्तों आपके लिए हुमायूं का मकबरा। क्या नाम दोस्तों? हुमायूं का मकबरा है दोस्तों यहां पे आपके लिए यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहां पे दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम हो जाएगा अनिल बैजल। क्या नाम हो दोस्तों? अनिल बैजल हो जाएंगे यहां पे आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए नई दिल्ली से जुड़ी हुई दोस्तों यहां पे आपकी खबरों के बारे में, जरा एक साथ मेरे साथ कीजिएगा रिवीजन। तो दोस्तों यहां पे अभी हाल ही में एक आपका नियम पास किया गया था, नाम था GNCTD अमेंडमेंट। तो दोस्तों यह है आपके लिए गवर्नमेंट ऑफ नेशनल टेरिटरी। तो दोस्तों इसके अंतर्गत यहां पे दिल्ली में अब आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनकी शक्तियों को दोस्तों आगे बढ़ा दिया गया है दिल्ली सरकार से। वहीं दोस्तों दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया था देशभक्ति बजट, जिसकी दोस्तों आपकी कुल कीमत थी 59,000 किसी थी दोस्तों 69,000 यहां पे आपके दोस्तों करोड़ जारी किए गए थे। और इसके अंतर्गत दोस्तों अब 75 हफ्तों तक दोस्तों मनाया जाएगा भारत का दोस्तों 75वां स्वतंत्रता दिवस। और वहीं इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए आपसे, तो दिल्ली के द्वारा दोस्तों यहां पर आपके लिए एक नया बोर्ड, शिक्षा बोर्ड जारी किया गया है, नाम है दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड, जिसको दोस्तों आपका लागू किया जाएगा
1000 सरकारी और इसके अलावा दोस्तों 1700 प्राइवेट स्कूल में। और इसके साथ साथ अगर दोस्तों बात करें तो यहां पे दिल्ली सरकार के द्वारा एक तमिल अकादमी भी शुरू की गई है, जहां पे दोस्तों इसके वाइस चेयरमैन हो जाएंगे एन राजा। क्या नाम है दोस्तों? एन राजा को यहां पे वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है तमिल अकादमी का, जिसको दिल्ली में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, उस पहले राज्य के बारे में बता दो। ध्यान सुनिए दोस्तों, उस पहले राज्य के बारे में बता दो जिसके द्वारा जीएसटी को दोस्तों पूर्ण रूप से, ध्यान समझिएगा, जीएसटी को पूर्ण रूप से दोस्तों समाप्त किया गया। तो जरा दोस्तों इस न्यूज को ध्यान से सुनिएगा। ये जीएसटी जो है दोस्तों आपका तीन तरीके से दिया जाता है। एक होता है दोस्तों आपका आईजीएसटी, दूसरा होता है दोस्तों आपका केंद्र का जीएसटी, और इसके अलावा राज्य का जीएसटी। अब जरा ध्यान सुनिएगा दोस्तों कि यहां पे आपके दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों हरियाणा राज्य के द्वारा ये तीनों जीएसटी दोस्तों अब हरियाणा सरकार आपकी करेगी वहन। तो दोस्तों इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा, वही जो आईजीएसटी है दोस्तों इसको आपका माफ किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा दोस्तों? गुजरात सरकार के द्वारा। और अगर दोस्तों बात करें तो हरियाणा सरकार ने भले ही ये आपका जीएसटी दोस्तों माफ किया है, तो दोस्तों इसकी यहां पे आपकी अवधि भी तय की है 30 जून तक। दोस्तों अगर आप कोविड से जुड़ी हुई कोई भी आपका दान दक्षिणा करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो या दवाई हो या फिर दोस्तों आपके लिए बेड हो, तो इस पे आपके लिए पूर्ण रूप से जीएसटी की माफी की गई है 30 जून तक हरियाणा राज्य के द्वारा। वहीं दोस्तों 31 जुलाई तक यहां पे गुजरात राज्य के द्वारा जो आईजीएसटी होता है उसको माफ किया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहां पे आपसे, तो और भी दोस्तों कई सारी आपकी योजनाएं थी जो कि दोस्तों कोविड के दौरान अलग अलग राज्यों के द्वारा दोस्तों यहां पे जारी की गई थी। आप कीजिए मेरे साथ एक छोटा सा रिवीजन। तो दोस्तों मारू गांव कोरोना मुक्त गांव, दोस्तों इस योजना को यहां पे आपका शुरू किया गया था गुजरात राज्य के द्वारा। वहीं दोस्तों अगर बात करें तो रियल टाइम कोविड से संबंधित डाटा के लिए दोस्तों आपका एक नया सेंटर बनाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। और इसके अलावा अगर दोस्तों बात की जाए तो कोविड फतेह, जिसमें दोस्तों अगर कोई गांव अपने आप को 100% कोरोना से करता है मुक्त, तो दोस्तों पंजाब सरकार, जी हां दोस्तों पंजाब सरकार दोस्तों यहां पे आपका कोविड फतेह के अंतर्गत देगी 10 लाख रुपया। दोस्तों अगर बात करें आयुष घर द्वार योजना, इस योजना को दोस्तों यहां पे आपका शुरू किया गया था हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। कौन सी सरकार के द्वारा दोस्तों? हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा यहां पे इसको जारी किया गया था। तो दोस्तों ये थी यहां पे आपकी आज की खबरें। अब आप मुझे बताइएगा सबसे पहले यहां पे कौन सी न्यूज आपके दिमाग में आती है, और उसको मुझे कमेंट बॉक्स में याद से जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ ये सफर होता है खत्म। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी, चाहे वो मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, या फिर दोस्तों कोविड से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी, तो एक बार सफलता क्लासेस के द्वारा दोस्तों यहां पे एक डिस्कशन, एक यहां पे दोस्तों आपकी बातचीत जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं लेता हूं अलविदा। नमस्कार।